बेगुनाह। मैं उन दिनों बेरोजगार था। पंजाब की एक बड़ी जेल की ऑफिसर्स कॉलोनी में अपने दोस्त के पास रहता था। मेरा दोस्त इस जेल का डिप्टी सुपरिटेंडेंट था। इन्हीं दिनों जेलों पर काम करने वाली एक एनजीओ को कैदियों की इखलाकी, जहनी और जज्बाती जिंदगी पर तफसीली रिपोर्ट की जरूरत पड़ी तो मेरे दोस्त ने ये प्रोजेक्ट मुझे ले दिया। यूं मुझे जेल की दुनिया में दाखिल होने और वहां बसने वाली मखलूक के करीबी मुशाहिदे का मौका मिला। मैं वहां एक माह तक काम करता रहा। इस दौरान जहां मुझे मस्जिद से जूते चुराने वाले पेशेवर मुजरिमों से मुलाकात का मौका मिला, वहां मैंने 15-15 अफराद के कातिलों से भी गुफ्तगू की। मैं इन 30 दिनों को अपनी जिंदगी के कीमती तरीन दिन समझता हूँ, क्योंकि मुझे पहली बार मालूम हुआ पाकिस्तान या कम अज कम पंजाब में हर किस्म के जराइम जुलाहे मोची, नाई, मुसल्ली और तेली करते हैं। कोई फ्यूडल लॉर्ड, मिल ऑनर, सियासतदान, ताजिर, बड़ा मजहबी रहनुमा और आला सरकारी अफसर कभी किसी अदालत से सजा पाकर जेल नहीं आया। यकीन फरमाइए, मुझे इन 3000 कैदियों में अपर क्लास का एक भी नुमाइंदा नहीं मिला। बी क्लास के एरिए में चंद एक लोग थे, लेकिन वो अभी मुलजिम थे। इनमें से किसी का जुर्म साबित नहीं हुआ था। एक रात मैंने अपना ये तज्जिया अपने दोस्त के सामने रखा तो उसने मुस्कुरा कर कहा, सिर्फ ये नहीं बल्कि तुम्हें पाकिस्तान की किसी जेल में बालाई तबके का कोई शख्स नहीं मिलेगा। मैंने वजह दरियाफ्त की तो उसने ताश के पत्ते फेंटते फेंटते जवाब दिया, वजह साफ जाहिर है, हमारे तबका अशराफिया के लोग जुर्म के बाद थाने में कुछ दे दिलाकर फारिग हो जाते हैं, अपनी जगह कोई कमी कोई कारिंदा पुलिस को पेश कर देते हैं, जजों से राबते कर लेते हैं, अगर वहाँ तक कोई तरकीब कारगर ना हो तो 10-20 लाख में चोटी का वकील कर लेते हैं, अगर ये कमाल भी काम ना आए तो गवाहों को खरीदना, शहादतें जाया करना और मुतासरा पार्टी को धमकियां और ब्रीफ केसों से मुतासर करना कहाँ मुश्किल है। लेकिन अगर कभी इन तमाम हथकंडों के बावजूद किसी बड़े शख्स को सजा हो जाए तो फिर सियासी असर और रसूख की मदद से फांसी को उम्र कैद और उम्र कैद को कबल अज़ वक्त रिहाई में बदलना तो हरगिज मुश्किल नहीं। लिहाजा तुम्हें पाकिस्तानी जेलों की तारीख में जुल्फिकार अली भुट्टो, अब शेख रशीद को भी इसमें शामिल कर लें, के सिवा अपर क्लास का कोई नुमाइंदा सजा काटता नजर नहीं आएगा। मेरे दोस्त की बात बड़ी ही लॉजिकल थी, लिहाजा मैंने फौरन फाइल खोली और उसके पहले सफे पर ये लिख करके, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां कोई बड़ा शख्स कोई जुर्म नहीं करता, रिपोर्ट उसके हवाले कर दी। आने वाले दिनों में मुझे एनजीओ की तरफ से चेक भी मिल गया, लेकिन यकीन जानिए उस रोज से आज तक कोई दिन कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जब मुझे एक आध मिनट के लिए ही सही इस जेल के वो कैदी याद न आए हों जो इन किला नुमा दीवारों, इन ठंडी बैरकों और इन मुहिब काल कोठरियों में अपने गुनाहों, अपने जुर्मों के बजाय अपनी गुर्बत, अपनी कमजोर समाजी पोजीशन और अपने नाकाबले जिक्र शजरा नसब की सजा भुगत रहे हैं। मैं ये नहीं कहता ये लोग बेगुनाह हैं, ये लोग वाकई मुजरिम हैं। इन्हें अपने किए की सजा मिलनी चाहिए, कैदियों को कैद काटनी चाहिए, कोड़ों वालों को टिकटिकी का जायका चखना चाहिए और फांसी वालों को फांसी घाट पर पहुंचना चाहिए। लेकिन आप इन लोगों को तो खुला छोड़ दें, जो इंसानों को अपने डेरों पर कुत्तों की तरह बांधते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, पहाड़ों से धक्के दे देते हैं, भट्टों की चिमनियों में फेंक देते हैं, भट्टियों में पिघला देते हैं, जो इंसानों को तलवे चाटने और बोलो बरास पीने पर मजबूर कर देते हैं, जो 7634 की कलील तादाद में होने के बावजूद मुल्क के 139 अरब रुपए खा जाते हैं, जो हर साल 9 अरब रुपए की गैर मुल्की शराब पीते हैं, जो 25 अरब रुपए जुवे में हार जाते हैं, जो मनुष्यात के 40,000 अड्डों के मालिक हैं, जो हर माह 40-50 करोड़ जगह टैक्स वसूल करते हैं, जो आबरूएं लूटते हैं, जो कब्जे करते हैं, जो नंगी खवातीन का मार्च कराते हैं, जो थाने खरीदते और चौकियां बेचते हैं, जो बम रखवाते और तैयारे तबाह कर देते हैं, लेकिन मस्जिदों से जूते चुराने, डंगर खोलने, हेरोइन की एक पुड़िया खरीदने, चंद हजार का फ्रॉड करने,
किसी घर से रेडियो टीवी चोरी करने या इश्तियाल में आकर किसी को कत्ल कर देने वालों को जेल में महबूस कर देते हैं। इनसे चकियां पिसवाएं, इन्हें कोड़े लगाएं, इन्हें फांसियां चढ़ाएं। ये जुल्म नहीं? क्या ये ज्यादती नहीं? मुझे कोई एतराज नहीं, कराची की मिलिट्री कोर्ट्स बबली को फांसी चढ़ा दे या बाबर लोधी को सजाए मौत सुना दे। तो सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ, कम अज कम आज के मुसन्निफ तो ये देखें कि उनकी सारी महारतें भी उन्हीं लोगों पर तो सर्फ नहीं हो रही जो गुर्बत के बायस कानून के बेलने में आ गए थे, जिनके पीछे भी अगर हसब नसब की मजबूत फसील होती, जिनका भी अगर कोई हलका, कोई जागीर, कोई मिल, कोई बिजनेस या कोई पार्टी होती, तो वो भी ऐनक लगाकर लंदन में बैठे होते, असेंबली में डेस्क बजा रहे होते या घूमने वाली कुर्सियों पर झूल रहे होते। मेरी तो बस इतनी दरख्वास्त है, इस मुल्क में कम अज कम एक तो ऐसी अदालत हो जो किसी एक असली जालिम को पकड़कर फांसी पर लटका दे, इस क्लास के चंद लोगों का हिसाब बेबाक कर दे जो पिछले 50 वर्षों से हाथों पर दस्ताने चढ़ाकर फिर रही है, जिसकी वजह से मोहम्मद रफी बबली बन रहे हैं और जिनके इशारे पर अशरफ चाकर बनकर फांसियों पर झूल जाते हैं। अगर ये मुमकिन नहीं, अगर पाकिस्तान के सारे इदारे, सारी कुवतें ही मजबूर हैं, तो फिर कोई एक शख्स ही ऐसा हो जो इंसाफ की किताब पर कम अज कम ये फिक्रा ही लिख दे, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां कोई बड़ा शख्स कोई जुर्म नहीं करता।